हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिस्ट्री क्लास 11th. स्टूडेंट, वी विल स्टार्ट अवर फर्स्ट चैप्टर फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम. इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट द इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बीइंग. सो स्टूडेंट, एज वी हैव डिस्कस्ड अबाउट टाइमलाइन ऑफ अर्लियर वीडियोस, लेट अस स्टार्ट दिस चैप्टर अलॉन्ग विद दीज टाइमलाइंस. सो अकॉर्डिंग टू आर्कियोलॉजिस्ट, this chapter traces back to 5.6 million years ago. The first human-like creature appeared on Earth's surface. So students, after the appearance of human-like creature, that was not a human-like creature like we are or a modern human being. वो ऐसा human being नहीं था जैसे कि हम आजकल दिखते हैं, जो आज का modern human being है. ये प्रजाति बहुत लंबे टाइम तक डेवलप हुई. कुछ प्रजातियां बनती गई, कुछ एक्सटिंक्ट होती गई. एक्सटिंक्ट होता है कि खत्म होती गई. तो स्टूडेंट्स, जो आज का मॉडर्न ह्यूमन बीइंग है वो लगभग हमारे जैसा दिखने वाला जो ह्यूमन बीइंग है, द ह्यूमन बीइंग रिजेम्बलिंग अस ओरिजिनेटेड अबाउट 1,60,000 years ago. So students, you can see that from 5.6 million year ago to 1,60,000 million year ago तक human being की development होती गई. So development कैसे होगी, तो शुरुआत में आपको वैसे तो chapter में मिल जाएगी, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि human being शुरुआत में कहाँ रहते थे. जंगलों में रहते थे, पशुओं के साथ रहते थे. उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे पशुओं से अलग रहने लगे. और उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, पशुओं से अलग रहने के साथ उनको खाना पकाने की जरूरत महसूस हुई, केव्स में रहना स्टार्ट किया. तो ये सब कुछ जो था बहुत लंबे टाइम तक चलता रहा. मतलब बहुत लंबे टाइम में, मतलब ह्यूमन बीइंग पशुओं से हटकर अलग रहने लगा. इसके लिए उसको लगभग 100 साल 200 साल लगे होंगे. फिर उसको खाना पकाने की जरूरत महसूस हुई होगी, हो सकता है 500 साल में ऐसी जरूरत पड़ी हो. इस तरह से ये काम धीरे धीरे डेवलप हुए. तो जब मॉडर्न ह्यूमन लाइक जो स्पीसीज थी, मतलब मॉडर्न ह्यूमन जैसे जो लोग थे वो डेवलप हुए, वो एक क्रूशियल टाइम था ह्यूमन हिस्ट्री का. तो उस टाइम क्या करते थे, उस टाइम तक भी क्या करते थे, दे गेट फूड इधर बाय स्क्विनिंग और हंटिंग एनिमल एंड गैदरिंग प्लांट प्रोड्यूस. दे ऑल्सो लर्न हाउ टू मेक स्टोन टूल्स एंड टू कम्युनिकेट विद ईच अदर. शुरुआत से लेकर एक पशु जैसी स्पीसीज से लेकर अब तक जो डेवलपमेंट हुई थी, उसमें क्या हुआ था कि उन्होंने हंटिंग करनी स्टार्ट कर दी थी और गैदरिंग करनी स्टार्ट कर दी थी. इसलिए इसको हंटर गैदर सोसाइटीज कहती थी. और उनको पता चल गया था कि शिकार कैसे किया जा सकता है, और उसके लिए उन्होंने टूल्स और वेपन्स बनाने स्टार्ट कर दिए थे. और इसके साथ साथ आपस में कम्युनिकेट करने लगे थे. ऐसा नहीं कि बोलने लगे थे, आज की मॉडर्न भाषा बोलने लगे थे, ऐसा नहीं है. लेकिन कुछ भी था, इशारे करने लगे थे या कुछ भी, कम्युनिकेशन स्टार्ट हो गया था. आज भी हंटर और गैदर सोसाइटी की बहुत सारी प्रजातियां जो है वो कहीं ना कहीं, जैसे हम कह सकते हैं हमारे आसपास अगर हम देखें, अंडमान और निकोबार में एक आइलैंड है, क्योंकि अंडमान निकोबार एक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है. उन आइलैंड्स में एक एंटिलिस आइलैंड है जहां की कम्युनिटीज जो है बहुत खूनखार हैं. हमारे जो लोग हैं वहां पर अगर कोई जाता भी है, गलती से चला भी जाता है, तो उसको वो छोड़ते नहीं. कई बार उसके ऊपर से अगर हम देखें जहाज वगैरह गुजरता है तो उसके ऊपर वो तीर चलाने लगते हैं. सेंटिलिस हैं, आइलैंड का नाम है सेंटिलिस. एंटिलिस जो है वो अमेरिकास के आइलैंड्स हैं, सेंटिलिस आइलैंड्स. तो सेंटिलिस आइलैंड जो है अंडमान निकोबार में, इसकी पिक्चर्स भी देखने को मिल जाएंगी. आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो. जब भी वो कहां वहां पर कोई व्यक्ति जाता है तो उनके बारे में पढ़ के देख लेना, दे आर वेरी बारबेरिक. सो इस तरह के ट्राइब्स आज भी दुनिया में हैं. ये नहीं है सेंटिलिस में नहीं, और भी जगह हैं जैसे कैरेबियन आइलैंड्स में भी हैं, तो अभी भी हैं. तो हमें कैसे पता चलता है कि ये जो डेवलपमेंट्स हुई हैं कैसे हुई हैं, तो डिस्कवरीज ऑफ ह्यूमन फॉसिल्स, स्टोन टूल्स, केव पेंटिंग्स, ये सभी हमें ह्यूमन हिस्ट्री को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करते हैं. ठीक है जी.
शुरुआत में जैसे ही ह्यूमन फॉसिल मिले तो बहुत सारे हिस्टोरियंस एंड स्कॉलर्स ने इसको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था। वेरी ऑफन व्हेन सच फाइंड्स ऑफ फर्स्ट मेड, मोस्ट स्कॉलर्स रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दैट फॉसिल वर रिमेन्स ऑफ ह्यूमन बींग। उन्होंने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया कि ये आदमी के तो नहीं हो सकते, क्योंकि उस टाइम के ह्यूमन बींग की जो हेड का शेप था, जो मतलब स्कल का शेप था, जहाज का शेप था, वो कुछ अलग था। लेकिन बाद में धीरे धीरे उनको रियलाइज हुआ कि ये सब कुछ जो है असल में ही ह्यूमन बींग का है, अर्ली ह्यूमन बींग का है। आपको पता है स्टूडेंट्स कि जो फॉसिल्स होते हैं, मतलब हड्डियां होती हैं, उनके केमिकल एनालिसिस से कार्बन डेटिंग करके उसका पता लगाया जा सकता है कितनी पुरानी है। तो कुछ एनिमल्स और ह्यूमन बींग की जो हड्डियां थी उनको एनालिसिस किया गया, उसके बाद उनका पता चला कि ये कितनी पुरानी है। और जैसे जैसे ह्यूमन फॉसिल मिलते गए, उनको एक रैंक वाइज रखते गए कि कौन पुराना है कौन नया है, तो धीरे धीरे ये समझ में आने लगा कि जो पुराने जो स्कल्स थे वो धीरे धीरे उनमें थोड़ी थोड़ी शेप में चेंज आया है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि कहाँ शेप में चेंज आया है। इस तरह की स्कल शेप में चेंज आया है, पहले जो मतलब इस तरह का है हेड शेप, फिर धीरे धीरे इस तरह का बनता चले गया। तो धीरे धीरे चेंजेस आते गए हैं ह्यूमन स्कल्स में भी। ये जो स्कल्स हैं, ये वहां पर मिली हुई हड्डियां, जहां पर एक्सकेवेशन की गई, खुदाई की गई, जांच की गई अर्ली ह्यूमंस के फॉसिल्स की, तो वहां पर ये हड्डियां मिली हैं। धीरे धीरे इनको टाइमलाइन के अकॉर्डिंग सेट किया गया और देखा गया कि पहले ह्यूमन ऐसे होते थे, फिर ऐसे होते हैं। सो इस तरह की डिस्कवरी जो है वो काफी लंबे समय से चल रही है, अराउंड 200 ईयर्स। लेकिन फॉसिल्स को एक्सेप्ट करना काफी मुश्किल था लोगों के लिए, क्योंकि ऐसा फॉसिल जो है वो ह्यूमन बीइंग का नहीं हो सकता, क्योंकि लोग उस टाइम 200 साल पहले की बात कर रहे हैं कि उस टाइम लोग धर्म में ज्यादा विश्वास रखते थे। उन्होंने कहा था कि जो ह्यूमन बीइंग है ये अलग से क्रिएट किया गया है, ह्यूमन बीइंग अकॉर्डिंग टू द ओल्ड टेस्टामेंट ऑफ बाइबल, अकॉर्डिंग टू विच ह्यूमन ओरिजिन वॉज रिगार्डेड एज द एक्ट ऑफ क्रिएशन ऑफ गॉड। उनको ये नहीं लगता था, वो मानने को तैयार ही नहीं थे कि ह्यूमन बींग किसी और तरह से डिवेलप हुआ। उनको लगता था कि ये ह्यूमन बींग जो है ये क्रिएशन ऑफ गॉड है, जैसा है ऐसा ही क्रिएट किया गया। पहली बार अगस्त 1856 में वर्कमैन हु वर क्वेरिंग द लाइमस्टोन इन निंडर वैली, अ गॉर्ज नियर जर्मन सिटी ऑफ डसलडॉर्फ, फाउंड अ स्कल एंड सम स्केल्टन फ्रेगमेंट्स। मतलब उनको डिनर वैली में, जो कि जर्मन में थी, वहां पर खुदाई के दौरान, क्वेरिंग के दौरान क्या मिला उनको, स्कल्स और कुछ और स्केल्टन के फ्रेगमेंट्स मिले, टूटे फूटे पार्ट मिले। उन्होंने उसको कार्ल फ्रॉट को सौंप दिया। वो एक नेचुरल हिस्टोरियन था, स्कूल मास्टर भी था। उसने पहली बार में क्या देखा कि दे डिड नॉट बिलोंग टू मॉडर्न ह्यूमंस। ही देन मेड अ प्लास्टर कास्ट ऑफ स्कल्स एंड सेंट इट टू ह्यूमन हरमेन स्कैफिसेन, अ प्रोफेसर ऑफ एनाटॉमी ऑफ एट बॉन यूनिवर्सिटी। इस प्रोफेसर के पास इन स्कल्स को भेजा, उनका प्लास्टर कास्ट बना के, मतलब ओरिजिनल अपने पास रखी, वैसी स्कल्स बना के उसने प्लास्टर कास्ट की भेजी कि देखिए अगर आपको लगता है कि ये ह्यूमन बीइंग की हैं तो एक बार इसके ऊपर सर्च कीजिए, मेरे पास ये हैं। द फॉलोइंग ईयर्स दे जॉइंटली पब्लिश्ड अ पेपर क्लेम दैट दिस स्कल्स रिप्रेजेंटेड अ फॉर्म ऑफ ह्यूमन दैट वॉज एक्सटिंक्ट। उन्होंने इन स्कल्स को जो नींडर वैली में मिली थी उनके बारे में पब्लिश किया कि ये स्कल जो है एक ह्यूमन बींग की है जो कि अब नहीं रहे, मतलब हमारे पूर्वज। 24 नवंबर 1859 व्हेन चार्ल्स डार्विन ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज वॉज पब्लिश्ड, मार्क अ लैंडमार्क इन द स्टडी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बींग। ऑल 1250 कॉपीज ऑफ फर्स्ट प्रिंट वर सोल्ड आउट एट द सेम डे। डार्विन आर्ग्यूड दैट द ह्यूमन हैड इवॉल्व फ्रॉम एनिमल अ लॉन्ग टाइम अगो। उसने कहा कि चार्ल्स डार्विन ने ये कहा कि जो ह्यूमन बींग है वो धीरे धीरे एनिमल से ही डिवेल्प हुआ है। पहला जो स्कल मिला था, ओरिजिनल पिक्चर जो है उस स्कल की, वो ये है। उसको धीरे से मतलब कि आराम से एक तरह सर्च करके उसको सही तरह से, उसका मुंह भी बनाया गया, उसके जाज भी बनाए गए, प्लास्टर कास्ट किया गया, मतलब इसको टूटा फूटा मिला था, जो सिर की शेप पर कुछ ऐसी थी। तो फिर उसका सारा शेप बनाया गया, फिर ये डिसाइड, ये डिसीजन लिया गया ये
अंत में आकर ये डिसीजन लिया गया कि जो ह्यूमन बीइंग है वो पहले पुराने इस तरह के होते थे, उसके बाद धीरे धीरे इनमें डेवलपमेंट हुई है। जो पिक्चर्स दिखाई हैं आपको स्कल्स के चेंज होने की, वो इसकी डेवलपमेंट है। बाकी चैप्टर हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए आप इसको पढ़िए। थैंक यू।